वाकई एक मैं कहता हूँ एक काबिले तारीफ है, और मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ, मैंने भी इसमें रोल किया हुआ। आप रोल तो खैर आपने देख लिया, क्या सवाल करेक्टर का नहीं है मेरे, सवाल हमारे पूरी सवाल सबसे बड़ा सब्जेक्ट का है, उन्होंने इतना बोल्ड सब्जेक्ट उठाया है और उसको जिस तरह से उन्होंने अभी तक बच्चे उन्होंने उसका अध्ययन किया हुआ है, और ख़ास करके मैं उन तमाम लोगों का जो कि नॉन से बताएंगे कि भाई ये कैसे रोका जा सकता है ये चाइल्ड सुसाइड बच्चों का। ये मुश्ताक सर ने अभी सब कुछ बोल दिया इस पिक्चर के बारे में, वाकई ये बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ विक्रांत मोरे साहब को कि उन्होंने इतना बोल्ड सब्जेक्ट उठाया और ये मुद्दा हम सबके सामने लेकर आए, और मैं खुद को भी सौभाग्य वाला समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और जैसा कि सर ने मुश्ताक सर ने कहा कि एंटरटेनमेंट तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ये बहुत सारी सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरह के सब्जेक्ट भी फिल्में बने। हमारे सिनेमा का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन को हीरो बना के पिक्चर बना लेते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह के जो असली मुद्दे हैं जो वाकई हमारे समाज को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इस पिक्चर का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसमें यही नहीं है कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें है सोल्यूशन कि हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, उनकी मानसिकता कैसे बदल सकते हैं। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं, इनका इससे रिसर्च बहुत अच्छा है। वाकई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इतने सारे बच्चे, 4000 के करीब बच्चे हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, तो हम सबको इसके बारे में कुछ लिखना ज़रूर चाहिए। और इस पिक्चर को मैं चाहूँगा कि हम हमारी गवर्नमेंट तक ये जाए और हम सारे स्कूल्स में एटलीस्ट इस पिक्चर को ज़रूर दिखाएँ। विक्रांत सर से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा अप्रोच करें ताकि हर स्कूल में तकरीबन ये पिक्चर ज़रूर देखी जा सके। सर, क्राइम पेट्रोल में अक्सर ऐसे एपिसोड दिखा जाते हैं, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, तो मतलब 10 एपिसोड लिख दो तो एपिसोड ऐसा रहता है आपका। जी जी, उसके बारे में क्या कहना है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आजकल काम चल रहा है। जी, अभी क्राइम पेट्रोल सर देखिए बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित होता है, लेकिन ये इसमें मेरे को एक बार एक किसी ने शिकायत की थी कि हमारा एक बार एक स्टोरी में दिखाया था कि एक बच्चा फिनाइल पी लेता है क्योंकि उसके मम्मी डैडी उसको डांटते ना बोलो, तो पेरेंट थे वो, उनके कहते हैं हमने अपने बच्चे को एक दिन डांटा तो उसने हमें धमकी दी कि मैं भी फिनाइल पी लूँगा। तो इसलिए ऐसे जो भी शोज़ हैं जो भी क्राइम के बारे में या ऐसी सत्य घटनाओं को दिखाते हैं उसमें पेरेंटल गाइडेंस बड़ा ज़रूरी होता है। सर, अभी आप बच्चे को बोलोगे कि इंजेक्शन लगाने चलना है डॉक्टर के पास तो बच्चा डरता है कि नहीं, बहुत चुपता है, तो मरने के टाइम बच्चे को पता नहीं होता कि मौत क्या है और इस तरह की जहर वहर लेके कैसे मौत होती होगी, वो कितना दर्द देती होगी मरने से पहले, वो तकलीफ कितनी होगी, वो तकलीफ नहीं सहना चाहेंगे, उनको मरना आसान लग सकता है क्योंकि वो छोटे हैं, तो उनको बताया जाए कि इन चीज़ों से कितनी तकलीफें होती हैं, क्या क्या होता है। वैसे आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे आप। कहने का मतलब ऐसे एपिसोड जो हैं अभी फिल्में भी बनने लगी हैं, क्राइम पेट्रोल में अक्सर दिखाया जाता है, इससे मैसेज मिलता है। जी बिल्कुल, ये मैसेज मिलता है, और लेकिन इस मैसेज में ऐसी चीज़ों को मैं कहूँगा कि बच्चों को अकेले ना देखने दी जाए, इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या कहना चाहेंगे इस मूवी का? और मैं यही बहुत कुछ मैंने बोल दिया, विक्रांत भाई साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, ये बधाई के पात्र हैं और इनको आप सबकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है सर, इस पिक्चर को बहुत प्रमोट कर दीजिए। जी जी जी, विक्रांत जी क्या कहना चाहेंगे? और सच में जहाँ होड़ लगी हुई है एंटरटेनमेंट की, वहीं आप एक सोशल इशू लेकर आए हैं, अगले तारीख क्या कहना चाहेंगे, कितना रिसर्च है, कैसे रोका जाए बच्चों के सुसाइड को, कैसे रोका जाए, क्या है वो सोल्यूशन? एक्चुअली सर आपने बहुत सारे एक साथ सवाल कर दिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करता हूँ बात करने की। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि गुलशन जी और मुश्ताक जी और वो सभी कलाकार, वो सभी आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे उस लेवल पर सपोर्ट किया जहाँ पे मैं फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर था, इस मूवी के बनाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और ये आर्टिस्टों के और सारे सपोर्ट के बिना ये मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस मूवी को बनाया, अगर ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते इतने बड़े कलाकार। और हाँ, सवाल मुद्दे का, मुद्दे की बात करूँ तो अक्सर ये हिंदुस्तानी, ये इंडिया के लोगों में ये है कि जब तक कोई भी हादसा उनके घर में नहीं होता, उनके आसपास नहीं होता, आसपास होता है तो सोचते हैं कि गलत हुआ, और घर में सोचते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, लेकिन प्रिकॉशन नहीं देते। कोशिश करो इस मुद्दे के ज़रिए लोगों को जागरूक करने की, शायद अगर लोग इसको एंटरटेनमेंट की वजह से नहीं, एक एजुकेशन के मुद्दे से अगर देखें तो शायद ये बदलाव आ पाए। लोग फिल्म इसलिए देखने जाते हैं कि जो उनके ऑफिस का टेंशन हो, घर का टेंशन हो, बीवी का टेंशन हो, वो दूर हो गए, एक घंटा इंटरटेनमेंट हो गए, लेकिन आपने तो सब फिर वापस से उनको सत्तरों ताज़ा कर देते हैं, तो क्या लगता है जाएंगे? देखिए, मेरे मूवी में ये चीज़ें मैंने बताई है कि मेरा फिल्म का जो आर्टिस्ट है कबीर, ये कहता ही है कि लोग अपनी ज़िंदगी की जो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है उसको भूल के हमेशा रंगीन में खो जाते हैं,
और हकीकत आज लोगों के पीछे कम्युनिकेशन बैक कम्युनिकेशन गैप हो चुका है इतना बड़ा कि हमारा घर एक लॉजिंग बोर्डिंग की तरह हो चुका है, जहाँ पे हम सिर्फ रात में सोने के लिए और खाने के लिए जाता है, ना कम्युनिकेशन है हम एक दूसरे के बीच में, ना एक दूसरे के दर्द से कोई वास्ता है। तो मुझे लगता है दोस्तों की ज़िंदगी जीने के लिए है हम हमारे आसपास हमारे दोस्त और हमारे बच्चों की तकलीफ़ को जानने की कोशिश करें। और ख़ास करके मैंने बच्चों को इसलिए चुना है कि हम बड़े तो हमारी प्रॉब्लम्स को खुद हमारे पास खींचते हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे कहीं ना कहीं माँ बाप और हमारी आज की फास्ट लाइफ उसका कहीं ना कहीं वो लोग शिकार हो रहे हैं, तो मैं उसको रोकने चलते चलते आखिरी सवाल, वो 14 सोल्यूशन क्या है अभी तक आपने रिवील नहीं किया है, क्या है वो 14 सोल्यूशन? सर ये है कि 14 सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बीएमसी डॉक्टर्स, मैंने विद्या ठाकुर मैडम को लेटर लिखा था कि मुझे बीएमसी के डॉक्टर्स की मदद ली जाए, ताकि हर माता पिता से मेरी ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माँ बाप ना बने, अपने बच्चों के माँ बाप ना बने, उनके दोस्त बने, ताकि वो किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी पीड़ा में हो, या उनकी जो भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हैं जो माँ बाप के लेवल से भले ही वो अलग होगी, लेकिन बच्चों के लेवल पर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो बच्चों के दोस्त बने ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है कि वो चिड़चिड़ापन करते हैं, कभी कभी ये भी पाया जाता है कि छोटी सी बात में बच्चों का एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है, बच्चों में खुद की कमी हो जाती है, बच्चे अच्छी तरह से सोते नहीं हैं, कभी कभी ये भी पाया जाता है कि बच्चों का जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें डरते हुए नहीं होता, बहुत सारे वक्त हम ये सोचते हैं कि शायद ये जो स्कूल का परफॉर्मेंस कम हुआ है ये इसलिए कम हुआ है शायद इसलिए कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर बच्चा डिप्रेशन का शिकार है तो सब किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रखता, उसको कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है, इंटरेस्ट की कमी होती है, अगर उनको हम पहचान हो सकता है कि हमें डिप्रेशन जी जी मैडम क्या कहना चाहेंगे आप, बीएमसी के डॉक्टर हैं और किस प्रकार से बच्चे डिप्रेशन जी का नाम जानना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और उनको कैसे वापस लाया जा सकता है सोल्यूशन? लुक सेंटर में या क्या क्या गलत तरीके क्या क्या है उसके प्रति हमेशा फोकस होता है। आज ज़्यादा करके मूवी ऐसा है इसे एंटरटेनमेंट के लिए, ये चीज़ ऐसी है कि ऐसे चीज़ के ऊपर ये फोकस है कि हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारी संतति है, उसके पीछे किसी का ध्यान नहीं, जिसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं उसके ऊपर ही हमारा ध्यान नहीं है। और ये मूवी जो ये बता रही है एक बड़े में बड़ा एक ही है, 14 नहीं एक ही रीज़न नहीं,
कि अगर वो फैमिली लाइफ जीना शुरू करें तो ये प्रॉब्लम होगा। थैंक यू। हमारा फैमिली लाइफ ही खत्म हो गया है। थैंक यू। बच्चे जो हमारे से उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर हुआ था। हम तो बोलते हैं हमारे बच्चों को कि हम बूढ़े और बच्चे एक तरीके, अभी तो हमारे बच्चों को हम बोलते हैं आप हमारे माँ बाप। आप टोटल मिला के फिल्म आपको अच्छे लगे? टोटली बहुत बढ़िया है। और इसको सपोर्ट सबने करना चाहिए, और ये आदमी जिसने बनाया उसको मैं दिल से बधाई देता हूँ। जी फाल्गुनी क्या कहना चाहेंगे इसे, देखा सच को देखा आपने, फिल्म कैसी है, और इस गाने की अगर बात करें तो किस प्रकार का गाना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी रुके, फिल्म जो है वो बहुत ही उमदा टॉपिक है इस फिल्म का, बहुत ही अलग हटके है। और मेरा जो गाना है वो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसके लिरिक्स जो है वो इतने एंथुजियास्टिक हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है, प्लस कंपोज किया गया है। तो आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ। और ये फिल्म बेसिकली बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि इस फिल्म को बहुत अच्छे से, बिकॉज आप लोग ही हैं जो इसको बहुत अच्छे से दो लाइन गुनगुना रहे हैं, जिसमें ये गाना है आपका। जी सर, लुक सेंटर रखना है, बच्चे क्यों सोसाइटी करते हैं, कम से इंफॉर्मेशन जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज चिरंजीवी सिंह, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी व्हाट हैपनिंग अराउंड अस, लाइक आई थिंक सच लेट्स सी इट्स अ पब्लिक मैसेज, एंड वी हैव डन अ लॉट स्ट्रगल इन दिस बैड सिचुएशन वी हैव शॉट ऑन द मूवी, सो आवर व्यू इज टू वॉच, एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी, एंड देन सी इंशाल्लाह व्हाट गोना हैपन इन द फ्यूचर। We hope for the best for the movie. We have done a lot of this, as will Vikrant sir. So let's hope for the best. Kirdar is my Bhaskar ka jo character hai, wo hai. Bada ho gaya. Jo bada ho kar wo hero banna chahta hai, fir bada ho kar jo journey shuru hoti hai, fir abhi jo aage hai, jo aane wala hai. Film ka hamara jo ye try karte hain, unke liye ek social message hai jo jana chahiye character. और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, हमने हमारा पूरा दिया। मेरे किरदार का नाम है कबीर। आपका नाम? मेरा नाम आशीष स्वामी है। मेरे किरदार का नाम है कबीर, जो एक राइटर है जो पूरी स्टोरी करता है। स्टोरी की बात करें तो सच में स्टोरी रियल और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंट है, और लोग फिल्में देखने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाते हैं। क्या कुछ आपने पाया और वाकई में बहुत सोशल इशू है इस पर? नहीं, जब मेरे को ये फिल्म विक्रांत जी ने सुनाई थी तो मेरे को यकीन था कि सच में 4000 लोग, 4000 से 50 बच्चे सुसाइड करते हैं। फिर मैंने जाके इंटरनेट पर देखा, हालांकि मेरे आस पास में किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर इंटरनेट पर देखा तो सीरियसली 4000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, उनकी एज है 2 से 14 साल के बीच। फिर मैंने उसके रीज़न देखे, सिम्टम्स देखे, सब डिप्रेशन होता है, पढ़ाई का डिप्रेशन, पेरेंट्स का डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। मैंने इसे याद कर हमारा फ्यूचर है देश, सोशल कॉज के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इतनी आशाएं अपेक्षाएं हैं, और इस किरदार को देखिए इतना मजा आया, और फिल्म को फिल्म के हिसाब से जब ये सुनाया तो विक्रांत सर का यही था कि एक बहुत अच्छी बात है, तो उस हिसाब से शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट, जैसे बोला है ऑडियंस के ऊपर, अगर लोगों को लगता है कनेक्ट होती है तो हो सकता है हेल्प भी हो जाए, अदरवाइज उनको जो देना था या करना था उन्होंने किया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस मुद्दे को या ऐसे किसी भी टॉपिक को ही उठाने के लिए इससे पहले से डरते हैं कि फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, लोग पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। फिल्म अच्छी बुरी बनाना अलग चीज़ है, ऐसे टॉपिक को उठा के उस पर काम करने का सोचना ही एक बड़ी चीज़ है। मूवी आज हमारी मूवी का प्रीमियर था, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी, सर के लिए बहुत खुशी की बात थी। मानिए 15 दिसंबर को हमारी मूवी फ्लोर पर जा रही है, स्टूडेंट्स का सुसाइड का वो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, और जो उन्होंने थीम का लगाए हैं इस मूवी को
ये करने के लिए वो बहुत अच्छा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई हो, कोई भी हो, इसके लिए अगर किसी को लग रहा है कि ये बच्चा प्रॉब्लम में है, तो उनको, उस बच्चे को निकालना है उस टॉपिक से और बात करके उनको ये जानना है कि इस टॉपिक से कैसे प्रेशर कम हो। और जो सर ने जो टॉपिक लिया है, जब मुझे बताया गया कि मूवी बनने वाली है, मैं बहुत खुश हुई और जो मैंने मूवी देखी उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर ऐसा अपने देश में हो जाए तो स्टूडेंट्स का जो सुसाइड है वो बहुत कम और मेरे ख्याल से तो शायद बंद भी हो जाता। थैंक यू, मेरी बहुत अच्छी। थैंक यू।